बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। आज मैंने टॉपिक रासायनिक साम्य से लिया हुआ बच्चों, जिसमें मैं आज आपको केपी और केसी में संबंध का पूरा गलती जो प्रतिरूप है वो आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो बच्चों हम जल्दी से समझते हैं कि केसी और केपी क्या होता है। बच्चों समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, बच्चों हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास बच्चों अभिकारक है और अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पादक का निर्माण करते हैं। यानी अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, उत्पादक का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं उनको बहुत अच्छी तरह से समझिए। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास, जिसमें हमने अभिकारक पदार्थों को लिया और ये उत्पादक का निर्माण करते हैं। अगर अभिकारक उत्पादक का निर्माण करते हैं और उत्पादक में क्षमता ना हो कि वो पुनः उसी अभिकारक का निर्माण कर पाए, यानी सिर्फ अभिकारकों में ये क्षमता है कि वो आपस में क्रिया करके उत्पादक का निर्माण कर सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में अग्रसर होगी, हम उसको बोलेंगे अनुत्क्रमणी। हम उसको बोलेंगे बच्चों अनुत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया, यह अनुत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है बच्चों, यदि मान लो उस रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होता, ठीक है, कि हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें अभिकारक उत्पादक का निर्माण तो करते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में अगर वो उत्पादक पुनः वही अभिकारक बनाने की क्षमता भी रखते हैं, तो बच्चों ये एक दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी और उसको बोलेंगे हम उत्क्रमणी, वो कहलाएगी उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया। उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया, तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हमको प्राप्त होंगी। अभिक्रिया उत्क्रमणी हो सकती है और अभिक्रिया अनुत्क्रमणी हो सकती है। बच्चों उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी अभिक्रिया में जब मैं केवल उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं या अनुत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं, तो मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि जो अनुत्क्रमणी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणी अभिक्रिया, तो बच्चों अगर अभिकारक है, अभिकारक है और उत्पादक है, तो बच्चों अभिकारक और उत्पादक के बीच में हम केवल एक तीर का निशान बनाएंगे और अभिकारक से उत्पादक की दिशा में तीर की जो नोक होगी वो इंडिकेट होगी, यानी इस तीर के निशान के द्वारा हम अनुत्क्रमणी अभिक्रिया का प्रदर्शन करेंगे। बच्चों वही दूसरी ओर जब उत्क्रमणी अभिक्रिया होगी, है ना, जब आपकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी, उत्क्रमणी होगी, तो उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक, बच्चों दोनों के बीच में हम तीर के दो निशान बनाएंगे इस तरह से, एक अभिकारक से उत्पादक पर सूचित होगा तो दूसरा उत्पादक से अभिकारक पर सूचित होगा। बच्चों इस तरह प्रयुक्त ये जो चिन्ह होगा, ये चिन्ह अनुत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएगा। यह समझ में आ गया बच्चों। एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा और वो महत्वपूर्ण चीज है कि उत्क्रमणी, बच्चों उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पादक और उत्पादक से अभिकारक, अभिकारक बनने की गति, ठीक है बच्चों, मतलब दर जब क्या हो जाती है, बराबर बराबर होती है, तो बच्चों हम कहते हैं तब ऐसी कंडीशन में हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उनके बीच में क्या स्थापित हो जाता है, उनके बीच में स्थापित हो जाता है साम्य। क्लियर हो गई मेरी बात बच्चों? बहुत अच्छी तरह समझिए कि उत्क्रमणी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पादक और उत्पादक से अभिकारक बनने की दर यानी गति जब बराबर हो जाती है, तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है उनके बीच में क्या स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो
मैं आपको जल्दी से बताने का प्रयास करूंगा। अगर मान लो बच्चों मेरे पास a प्लस बी कोई अभिकारक है और ये मिलकर c प्लस डी उत्पादक बनाते हैं, तो बच्चों अगर a और b की क्रिया करने की दर c प्लस डी के बनने की दर के बराबर, तो इनके बीच में स्थापित हो जाएगा रासायनिक साम्य। तो इस तरह से ये रासायनिक साम्य का चिन्ह हो जाएगा। और बच्चों जब मैं इसमें सक्रिय द्रव्यमान का नियम लागू कर लूंगा, ठीक है, जब इनमें क्या लागू कर देंगे हम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, तो बच्चों जैसे ही आप इनमें सक्रिय द्रव्यमान का नियम लागू करेंगे, ये हो जाएगा उत्पादक का सक्रिय द्रव्यमान इंटू, ठीक है, अपॉन अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। और ये पूरी जो मात्रा होगी बच्चों वो एक नियतांक के इक्वल में होगी। और यहां पर ये जो नियतांक मैंने प्रयुक्त किया होगा, इस नियतांक को हम बोलेंगे, इस नियतांक को बच्चों हम बोलेंगे साम्य अवस्था स्थिरांक। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? साम्य अवस्था स्थिरांक बोलेंगे। और बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद रखिए कि जो साम्य अवस्था स्थिरांक है ये दो प्रकार के होते हैं, इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार में बच्चों एक होता है केपी और दूसरा होता है केसी। बच्चों जब हम दाब को स्थिर कर देते हैं और दाब को स्थिर करके जब हम साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना करते हैं तो उसको कहते हैं केपी। और बच्चों जब हम रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रण को, ठीक है, उत्पादक या अभिकारक के सांद्रण को स्थिर कर देते हैं और हम उस कंडीशन में जब साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना करते हैं तो उस कंडीशन में बच्चों हम उसको कहते हैं केसी। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ यह बताया गया कि केपी और केसी क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया कि केपी और केसी दोनों ही साम्य अवस्था स्थिरांक है। एक दाब को स्थिर रखकर है और दूसरा दाब सांद्रण को स्थिर रखकर है। हम जल्दी से इनके बीच में एक मात्रात्मक संबंध की गणना करने वाले बच्चों, तो देखते हैं केपी और केसी में संबंध। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एन वन ए प्लस एन टू बी अभिकारक क्रिया करके एम वन सी प्लस एम टू डी अभिकारक बनाते हैं, तब स्थिर सांद्रण पर, बच्चों स्थिर सांद्रण पर मैं सबसे पहले निकालूंगा तो वो मुझे मिलेगा Kc इज इक्वल टू, लागू कर दूंगा अभिक्रिया को तो C का सक्रिय द्रव्यमान M1 डॉट D का सक्रिय द्रव्यमान M2 अपॉन में आ जाएगा बच्चों A का सक्रिय द्रव्यमान N1 डॉट B का सक्रिय द्रव्यमान N2। और बच्चों इसको मैं बना दूंगा समीकरण नंबर एक। बच्चों इसी अभिक्रिया में, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। बच्चों इसके अलावा समझिए, स्थिर दाब पर जब हम निकालेंगे बच्चों, स्थिर दाब पर, तो स्थिर दाब पर हमको मिलेगा केपी इज इक्वल टू पी सी का सक्रिय द्रव्यमान एम वन डॉट पी डी का सक्रिय द्रव्यमान एम टू अपॉन पी ए का सक्रिय द्रव्यमान एन वन, एन वन डॉट पी बी का सक्रिय द्रव्यमान एन टू। और बच्चों हम इसको बनाएंगे समीकरण दो। बच्चों किंतु याद रखिएगा पी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है बच्चों, एक मिनट, पी इज इक्वल टू एन आर टी। बच्चों जस्ट वेट, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर हमको क्या करना बच्चों, पी को रिप्लेस करना है। तो हम यहां पे एक नियम लागू करेंगे बच्चों, और वो नियम है गैस समीकरण, देखिए हमने पढ़ा था, और वो गैस समीकरण होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है बच्चों, तो यहां से जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो ये V अपॉन में हो जाएगा, तो N अपॉन V इंटू आर टी हो जाएगा। बच्चों यहां पे N अपॉन V की जो वैल्यू है वो C के इक्वल होती है, इसलिए ये हो जाएगा P इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों फाइनली समीकरण दो में जहां भी P लिखा हुआ है हम ये पूरी वैल्यू रिटर्न करना चालू करेंगे। तो समीकरण दो से बच्चों ये हो जाएगा केपी इज इक्वल टू, हमारे पास था सी सी आर टी की पावर एम वन, फिर सी डी आर टी की पावर एम टू। बच्चों इसी तरह से नीचे आ जाएगा सी ए की पावर सी ए आर टी की पावर एन वन डॉट सी बी आर टी की पावर
एन टू। बच्चों घातांक के नियम से इसको अलग करेंगे तो सी सी की पावर एम वन, फिर आ जाएगा आर टी की पावर एम वन, इसी तरह से यहां पे आ जाएगा सी डी की पावर एम टू और फिर आर टी की पावर एम टू। बच्चों इसके अलावा अपॉन में जो रहेगा वो रहेगा सी ए की पावर एन वन आर टी की पावर एन वन, फिर बच्चों सी बी की पावर एन टू और आर टी की पावर एन टू। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको और सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सी सी की पावर एम वन डॉट सी डी की पावर एम टू। बच्चों यहां पे आर टी कॉमन हो जाएगा तो आर टी की पावर को मैं जोड़ देता हूं, आधार समान होते तो घाते जोड़ जाती है तो एम वन प्लस एम टू आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों जो नीचे आएगा वो आ जाएगा सी ए की पावर एन वन डॉट सी बी की पावर एन टू। बच्चों यहां पर भी आर टी की जो पावर होगी वो जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा एन वन प्लस एन टू। बच्चों अगले स्टेप में इसको भी सॉल्व करेंगे, फाइनल जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी केपी इज इक्वल टू सी सी की पावर एम वन सी डी की पावर, यहां पे एम वन है सी डी की पावर एम टू। बच्चों आर टी की जो पावर थी ना वो थी कितनी, एम वन प्लस एम टू। ठीक है, और अपॉन में क्या था एक स्टेप, ये था सी ए की पावर एन वन डॉट सी बी की पावर एन टू, यहां पे था आर टी की पावर एन वन प्लस एन टू। तो बच्चों यहां पर देखिए आधार समान है तो घाते घट जाएंगी, फाइनली हमारे पास आ जाएगा केपी इज इक्वल टू तो सी 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 डी, बच्चों इसकी पावर एम वन इसकी पावर एम टू, इसके अपॉन में सी ए इसकी पावर एन वन इसकी पावर सी बी की पावर एन टू। फाइनली बच्चों यहां पे आ जाएगा आर टी की पावर एम वन प्लस एम टू एक ब्रैकेट में माइनस एन वन प्लस एन टू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों यहां पर इसको मैं एक इक्वेशन नंबर तीन बना देता हूं। इक्वेशन तीन में ये जो पूरी वैल्यू आप देख रहे हो जिसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं बच्चों ये केसी है, तो फाइनली ये हो जाएगा केपी इज इक्वल टू केसी और ये आ जाएगा बच्चों आर टी, और यहां पर ये जो वैल्यू है ना इस पूरी वैल्यू को मैं डेल एन मान लेता हूं, तो इसको मैंने डेल एन मानकर यहां पर पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यू हो गई ये पूरी वैल्यू केसी है और ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हो इस वैल्यू को मैंने डेल एन के रूप में संक्षिप्त में आपके सामने रख दिया। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको केपी और केसी में क्या किया, एक गणितीय रिलेशन पूरा डिस्क्राइब करके दिया। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्दी आपसे पुनः मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिए।